वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आज मज़ा आ गया। हालांकि काफ़ी देर हम लोग को इंतज़ार करना पड़ा सर्किट हाउस में, लेकिन अंततः सब कुछ सकारात्मक रहा। हम लोग थोड़ा पिछड़ गए थे, गेट के अंदर ही थे, कई गाड़ियां थी, पता नहीं चल रहा था कि किस गाड़ी में केशव जी बैठे हैं। फिर हम लोग दौड़ लगाई और फिर उस घेरे में हम लोग घेरे के अंदर चले गए, जहां बहुत सारे लोग उनको घेरे हुए थे, पुलिसकर्मी भी थे। उन सबको पार करते हुए हम लोग केशव जी के बिल्कुल सामने गए और उनको ज्ञापन दिया। पुलिस वालों ने हटाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो मेरे शरीर पे कुछ प्रभाव उनका पड़ा नहीं, खींच रहे थे लेकिन खींच नहीं पाए। अंततः सब कुछ सकारात्मक रहा। केशव जी बोले कि इस समय मैं थोड़ा सा इसमें व्यस्त हूँ, इसके बाद मैं इसको देखूँगा। हमने कहा सर, पिछले कई दिनों क्या कुछ महीनों से हम लोग जो है इसके लिए कई बार आपके पास आए हैं, अब इसको अंततः कर ही दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर इसको देखेंगे, आप लोग घबराइए नहीं। थोड़ा समय उनके पास कम था, इसीलिए कल जो है कल उनके पास पर्याप्त समय रहेगा और हम लोग को वो समय जो है दे पाएंगे और विस्तारपूर्वक हम लोग चर्चा इस पर कर पाएंगे। काम आगे बढ़ गया है दोस्तों, कार्मिक विभाग से भी, कार्मिक चार से हम लोग की फाइल आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में है वो फाइल, थोड़ा सा उसमें अड़चन आ रही है, लेकिन वो सब दूर कर लिया जाएगा। थोड़ा सक्रियता अभी दिखानी पड़ेगी दोस्तों। लखनऊ वाला जो हमारा बैच है और गोरखपुर के भी जो लोग हैं, उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। लखनऊ वाले भी लड़के जो है थोड़ा सा बीच बीच में अपना दबाव बनाते रहें, ताकि उनको लगे, केशव जी को या मुख्यमंत्री जी को लगे कि हाँ, इसमें लड़कों की संख्या है, अधिक है और वो परेशान हैं। जब उनको ऐसा बार बार याद दिलाया जाएगा, तब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, प्रयास चल रहा है, जारी है। धन्यवाद, नमस्कार।